तो आज फिर मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। यह है न्यूट्रीलाइट। ठीक है, ये जो न्यूट्रीलाइट है ये बहुत ही फेमस कंपनी का एक ब्रांड है जिसका नाम है एमवे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमवे, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एमवे। ठीक है, एक एमवे एक बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड है। ये एक मार्केटिंग कंपनी है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी में लोग जुड़ते हैं फिर इनका प्रोडक्ट बेचवाते हैं। तो पता है ऐसे कंपनी जो रिनाउंड कंपनी, इनका एक बेनिफिट होता है, इनके प्रोडक्ट इफेक्टिव होते हैं। कहे कि इसमें लोग, देखिए अगर प्रोडक्ट इफेक्टिव होएंगे तभी तो कोई लोग इसको प्रमोट करने जाएगा। मान के चलिए आपके कोई रिलेटिव आपको कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं कि इसको आप कंज्यूम कीजिए, तो इनको भी एक बार आएगा ना कि नहीं भाई अपने रिलेशन में हम बता रहे हैं कि ये दवा खाइए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और दवा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे में जो भी, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, तो जो प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी जो होती है ना, जिसके लोग मार्केट करते हैं, उनका प्रोडक्ट काफ़ी हद तक ठीक होता है, कंज्यूम करने लायक होता है। ऐसे भगवान भरोसे प्रोडक्ट नहीं होता है कि चलो ये चीज़ है तो आ जाएगा। तो ये है हमारा न्यूट्रीलाइट का कैलमैक डी प्लस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें होगा कैल्शियम होएगा, एम से मैग्नीशियम होएगा और डी से हमारा क्या है, विटामिन डी होएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1934। ठीक है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है और यहाँ पे कंज्यूम करने का तरीका बताया हुआ है, एक टैबलेट 2 times a day। ठीक है, मतलब एक गोली सुबह शाम। और हम लोग इस पर और डिटेल्स पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, इसमें 90 पीसेज है, तो मतलब 90 दो गोली के हिसाब से खाए तो 45 दिन चलेगा, मतलब ये 1.5 महीने का अपना डोज है। इसकी MRP पे आते हैं 836 रुपीज़ है और ये 3 साल की एक्सपायरी पे आती है। तो और जैसा कि हम लोग सब वीडियो में क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, उसका इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं और उसको मैच कराते हैं कि कंपनी जो क्लेम कर रही है और इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है दोनों एक ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट 40% है। उसके बाद क्या है हमारा, कैल्शियम फ्रॉम एल्गल सोर्स है। एल्गल मतलब अलगली, जो होता है ना ये पानी में उग जाता है, इसे हम लोग काई बोलते हैं आसान भाषा में, तो वो है, तो एक प्लांट ही है हमारा। फिर है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर उसके बाद हमारा जिंक सल्फेट है, उसके बाद क्या है मैंगनीज सिट्रेट है और विटामिन D2 है। ठीक है, तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रीलाइट का। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें उसका क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पे। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नाम से ही पता चल रहा भैया कैल्शियम है तो हड्डी के लिए बढ़िया होएगा, एकदम सही बात है। ये मसल्स के लिए बढ़िया होता है कैल्शियम कार्बोनेट, नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है, मतलब दिमाग। और पता है ये एक एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक है, जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो एंटासिड की तरह काम करते हैं, तो ये हर्ट बर्न होता है ना इसे, उसके लिए भी बढ़िया है और पेट के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी और पेट सभी चीज़ को ठीक रखता है। हेल्थ सप्लीमेंट है, मतलब इससे कोई बीमारी का इलाज नहीं होता है, मतलब ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो इसको खाइए, मतलब ऐसा है कि ये सब हेल्थ सप्लीमेंट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़े थे कि हमारा दूसरा क्या इंग्रेडिएंट्स था, देखिए गौर से, कैल्शियम फ्रॉम एल्गल सोर्स, मतलब कैल्शियम मतलब प्लांट से। एल्गल बताया था ना, काई एक पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है जो समुंदर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रेड एल्गी से लिया हुआ कैल्शियम है। ठीक है, तो प्लांट से है तो आसानी, मतलब आसानी से टूट जाएगा और शरीर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या की बेनिफिट हुआ कि एल्गी से हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो गया कि इजी टू डाइजेस्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि जो एल्गी है उसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही होंगे चाहे कैल्शियम ही होंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो शायद ही हमारे खाने में होते हैं लेकिन शरीर को उसका ज़रूरत होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें बॉडी को ना, मतलब ये आसानी से बॉडी इस वाले कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो केमिकली बिल्ट है नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसके आते हैं तीसरे पे, वो हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। देखिए कितना परसेंट है, 11.71% है। देखिए बल्किंग एजेंट ये सब होता है ना, ये सब का कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है, या तो इसको जितने भी जैसे मैग्नीशियम है कैल्शियम है ये सब आपस में रिएक्ट ना कर जाए, इन लोगों को कैसे बांध के रखा जाए, उस चीज़ के लिए बल्किंग एजेंट ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया जो रिक्वायरमेंट्स है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारे बॉडी को डेली,
वो 250 मिलीग्राम के आसपास है, ठीक है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ये हार्ट बर्न होता है, छाती में जो जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, और हार्ट में मतलब जो हमारा इसमें होता है, नहीं किसी को बोलता है छाती सीने में लहर है चाहे वैसा कुछ टाइप सा प्रॉब्लम होता है, तो वो उससे हमको प्रोजेक्ट करता है। इंडाइजेशन मतलब खाना को अच्छे से पचाता है, इंडाइजेशन खाना और अपच खाने के कारण जितने भी समस्याएं आती है शरीर में वो सब प्रॉब्लम को ये ठीक रखता है, जैसे गैस का प्रॉब्लम हो गया सबको दूर रखेगा। माइग्रेन जो सर दर्द का बीमारी है उसको ये दूर रखता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बढ़िया है, ठीक है। अब हम लोग दो तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए, तो क्या पता चला कि पहला दोनों मिलके हार्ट के लिए बढ़िया है, ठीक है, कैल्शियम बोन्स के लिए बढ़िया है, ठीक है। अब आते हैं चौथा सबसे ज़्यादा जिसमें क्या है हमारा, ये था जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट आप कोविड टाइम में सुने होंगे, जिंक खाओ ऐसे वैसे करके, तो जिंक सल्फेट होता है ना ये हमारे आई साइट्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, आँखों के लिए बढ़िया है। नाइट ब्लाइंडनेस जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो जिंक के डिफिशियंसीज होते हैं, ये जो हमारा क्या है जिंक सल्फेट के डिफिशियंसीज होते हैं, तो जिंक सल्फेट गुड फॉर आईज है हमारा। पता है कैंसर फाइटिंग सेल्स भी मतलब जो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके कारण कैंसर होता है, तो ये जो जिंक सल्फेट है ना ये उसको पकड़ता है और हम लोग को कैंसर वाले जितने भी सेल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। अब जिंक का दो चीज़ है जो हम लोग को जानना चाहिए, अगर हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं किसी भी नॉर्मल ट्रीटमेंट में तो हम लोग को जिंक सल्फेट वहाँ पे कम खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है जो एंटीबायोटिक्स होता है ना उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको ये जिंक हटा देता है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा जिंक हो जाएगा तो वो कॉपर की डिफिशियंसी कर देगा, ठीक है, हमारे बॉडी को जिंक भी चाहिए कॉपर भी चाहिए, अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो वो अगले चीज़ को कम कर देगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट था वो क्या था, मैंगनीज सिट्रेट था, ठीक है। मैंगनीज सिट्रेट जो होता है एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है, कैंसर कॉजिंग सेल से हम लोग को बचाएगा, ठीक है, एजिंग इफेक्ट से हम लोग को बचाएगा, मतलब चेहरा पे झुर्री आना ये सब जितने भी होते हैं, सेल्स पुराना हो जाता है तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा हम लोग को, ठीक है। शुगर लेवल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये इंसुलिन का जो मात्रा होता है उसको भी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, मतलब प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, मतलब अगर आपके बॉडी को कमजोरी हो रही है तो क्या करेगा, जितने भी अमीनो एसिड है वो उसको ये तोड़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को ये सुधारता है और सही करता है, ये पता है ये जो मैंगनीज साइट्रेट होता है ना फीमेल लोग के लिए बहुत बढ़िया होता है, फीमेल लोग में कुछ दिन के बाद कहा जाता है ना कि मीनोपॉज आ जाता है, मतलब अब वो लोग माँ नहीं बन सकती है, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन होता है, तो उसके बाद ना शरीर में बहुत सारे कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, खास करके स्पाइनल कॉर्ड ये सब कमज़ोर होने लगता है, तो ये जो हमारा मैंगनीज है ये क्या करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बॉडी में, ठीक है, तो ये बोन को भी सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खास करके स्पाइनल बोन्स मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको ये तंदुरुस्त रखता है, ठीक है। और सबसे जो लास्ट हमारा इसमें क्या था, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी टू। अब देखिए हम लोग सारा दिन घर में रहते हैं, सन का एक्सपोजर होता नहीं है, सनलाइट प्रॉपर मिलता नहीं है, तो हम लोग को विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन डी बोन्स को और मसल्स को बहुत ही इम्प्रूव कराता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये मूड को बढ़िया रखता है, ठीक है, इम्प्रूव मूड्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है और साथ ही साथ ये हार्ट फंक्शन को सही करता है। और ये जो विटामिन होता है ना, ये जो विटामिन डी है, ये कैल्शियम, देखिए अब कैल्शियम खा रहे हैं, अब कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो क्या होएगा, जैसे कैल्शियम बॉडी के अंदर गया वैसे ही मतलब बाहर निकल जाएगा, लेकिन विटामिन डी जो होगा ये बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। देखिए ये न्यूट्रीलाइट था कैलमैक डी प्लस, जो हम लोग एक्स्ट्रा से ले रहे थे खाने के लिए, लेने का सोच रहे थे कि हाँ भैया, तो ये ठीक है वुमेन लोग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक एज के बाद आफ्टर 40 प्लस तो लोगों में क्या होती है ना 1% एक डेटा है कि 1% बोन्स लूज होने लगता है हम लोग का, तो ये बोन्स के हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और स्लाइटली गुड फॉर वुमेन्स, ठीक है, आफ्टर 40 प्लस एज। तो ट्राई दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।